खुम के कंपोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले सूखे भूसे को जूट के बोरों में भरें। भरे हुए बोरों को रस्सी के द्वारा बांधें ताकि भूसा ना निकले। अब इन बोरों को ट्रॉली की सहायता से पानी के टैंक में ले जाएं। बोरों को ट्रॉली से निकाल कर पानी के टैंक में डालें। बोरों पर दबाव बनाए रखें ताकि भूसा सही तरीके से भीग सके। भूसे को 20 से 24 घंटे के लिए पानी में भीगने दें। 24 घंटे के बाद बोरों को पानी के टैंक से निकालें। 2 घंटे बाद बोरों को ट्रॉली की सहायता से पाश्चराइजेशन चैम्बर में ले जाएं। बोरों को पाश्चराइजेशन चैम्बर में रखने के बाद चैम्बर को बंद कर देते हैं। भूसे को 72 डिग्री सेल्सियस पर 12 घंटे तक पाश्चराइज करें। स्पॉनिंग करने के पहले स्पॉनिंग रूम में फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन से पोछा लगाएं। फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन से पोछा लगाने के बाद स्पॉनिंग रूम को बंद कर दें। 10 मिनट के बाद स्पॉनिंग रूम का दरवाज़ा खोलें और फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन के ट्रफ से पैरों को धोकर अंदर जाएं। पाश्चराइजेशन हो जाने के बाद स्पॉनिंग के लिए भूसे को सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें। स्पॉनिंग के लिए भूसे को स्पॉनिंग रूम में फैलाएं। 4% स्पॉन, 5% चोकर डालें और हाथों से सही तरीके से मिलाएं। सही तरीके से मिश्रित भूसे को पॉली बैग्स में 8 से 10 इंच तक भरें। भूसे को भरने के बाद भूसे के बैग में 10 से 15 होल कर दें। स्पॉनिंग हो जाने के बाद बैग्स को स्पॉनरन रूम में रख दें। स्पॉनरन रूम का टेम्परेचर 24 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। स्पॉनरन हो जाने के बाद बैग से पॉलीथीन हटा दें और बैग्स को क्रॉपिंग रूम में रख दें।